उतना रहे। जैसे कि हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं कि हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वह काफ़ी ग्रेडेड रहा है, कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयरनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को उस इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयरनेस बढ़ाएं और सफिशियंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं। एज फार एज द रेलवे कोचेज यू वास्ट, तो रेलवे कोचेज को हमने एक फेज़ वन में तैयार किया था। हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किए कि जिन भी स्टेट को जब भी नीड हो वो रेलवे कोचेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अशोक हूं एएनआई से। सवाल ये कि अभी एमसीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि दिल्ली में मार्च से लेकर अब तक जून, मतलब अब तक नहीं जून में जो मौतें हुई हैं वो 2098 के करीब है, और चूंकि दिल्ली सरकार की ये संख्या है 982 के करीब, तो ये जो आंकड़े हैं उसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई में इतना गैप है? और दूसरा सवाल इसी तरीके के आंकड़े तमिलनाडु से भी आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है मेरा, कोई भी इसमें जवाब दे सकते हैं, क्या हम लोग देश में कोविड जांच के ऊपर कोई कैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं या कैपिंग सिस्टम ला रहे हैं, जैसे कि जांच एक दर पे एक इलाज एक इलाज एक उस पर हो, कैपिंग हो इसके ऊपर? सर, एज फार एज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, लेट अस हैव ए क्लैरिटी कि अगर हम पर्टिकुलर जो भी डेथ रिपोर्ट होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से अपने केसेस को मैनेज करते हैं उनके बेसिस रिपोर्टिंग मेथडोलॉजी पर ही हम डेथ कंट्री वाइड कंपाइल करके आप लोगों को बताते हैं। कुछ केसेस में कभी कभी ये पाया गया है कि जैसे कि स्टेट्स ने कहा कि हम डेथ को एनालाइज करना चाहते हैं, कि जैसे जिसको भी एक हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसे हम डेथ ऑडिट बोलते हैं, और उस डेथ ऑडिट के पीछे भी एक मंशा होती है कि डेथ का कारण क्या रहा, उस कारण को एनालाइज करें, उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स क्या लिए जाएं, क्या वो डेथ अवॉइडेबल थी, क्या हम और एडिशनल एडवाइस अपने क्लिनिशियन को दे सकते हैं जिसके लिए डेथ ऑडिट किए जाते हैं। उस कंटेक्स्ट में अगर रिपोर्टिंग में, क्योंकि उन्होंने डेथ ऑडिट में एक या दो दिन लिए, उसकी वजह से अगर कोई चेंज आता है तो वो नेक्स्ट दो तीन दिन में अकाउंट फॉर हो जाता है। तो इसलिए पूरा क्लैरिटी से ट्रांसपेरेंट वे में स्टेट के दिए हुए डेटा को ही हम आप लोगों के सामने लाते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि जितना ट्रांसपेरेंट वे में हम देश के हर नागरिक के सामने डेटा लाएंगे उसी के हिसाब से नागरिक तैयार होकर इस बीमारी से लड़ पाएगा। रिगार्डिंग कैपिंग, जैसे आप लोगों की नॉलेज में होगा कि कई स्टेट्स ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उन्होंने उसको एनालाइज किया है, जैसे जैसे उन्हें कैपेसिटीज की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हुए उनको इस्तेमाल भी किया है। कुछ स्टेट ने उसके बारे में अपने जो उनके स्टेट के राज्य के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे डिस्कस करके कुछ प्राइस अनाउंस भी किए हैं और कुछ स्टेट उस प्रोसेस में भी हैं। विल वेट फॉर क्वेश्चन नंबर 116 प्लीज। Pallav Bagla from Science and New Frontiers in Science and Development. One question for Dr. Paul and one for Dr. Bhargav. Dr. Paul, for you, a very simple one. What did China do right and did we learn any lessons? They capped it at 85,000 cases. We are struggling at 2.85. Did we learn anything? Did they do something right? Or did we fail in something? You are in Niti Aayog, you are best placed to answer. Question for Dr. Bhargav. So 3 months into the pandemic and we are still struggling with testing. When can we have that anybody who needs a test walks in and gets a test done? Why are we still struggling? The indigenous test kits, are they not available in full capacity? Let me answer your question. China was the first one to experience the epidemic, the outbreak. It was localized in mostly in one particular province of theirs and more so in one particular city. It expanded to a few other cities. The principles that China adopted are exactly the same that we have adopted in terms of containment, in terms of social measures, social distancing and other non-pharmacological measures as we call them. But remember that once the disease went out of China, the entire world was to face this pandemic in a very different way.
because it came through travel, it came to multiple points in every nation, including ours, and it does take a while for the whole, you know, process to be mobilized, and it got seeded in large populations across the world. But the principles, I can assure you, are essentially the same. That means it is discipline on the part of the people. It is the strategy of containment that we have been highlighting and which is at the core of our approach, and because of which we do have relatively limited disease in limited number of cities, in limited number of containment zones in particular. So the principles that the world is following are based on the experience gained in SARS, the original SARS epidemic, MERS epidemic, and the more recent experience. I don't think the approach is truly different. It is to be taken to scale. All nations are grappling with balancing priorities of maintaining reasonable life and balanced with how much suppression you can ensure on the spread of the disease. And I think India is doing pretty well. Virus has the nature of traveling very rapidly. It catches every susceptible person if it could, but we will not allow the will of the virus to run across this nation. The nation has demonstrated that this can be contained, this can be lessened, this can be suppressed, and together the nation will win this war soon. I'll be very brief. We have ramped up the testing quite dramatically. We are continuing to do the same, and there are certain hiccups which have happened, which will keep on happening whenever a system is expanding and growing. We are trying our best, and we will continue to strive to try our best to continue and increase as much testing. And I would encourage all the states also to encourage testing more, both in government and private sector, as much as possible. Currently, our capacity is not fully utilized, as I mentioned. Thank you, Vishal. Indigenous kits are available and they are being utilized and they are being manufactured on a large scale. They are available, yes. Thank you. We shall close the media briefing here. Thank you all for coming. ध्यान किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। तर्जनी उंगली के मुख से अंगूठे के मुख को छुएं। आंखें बंद रखें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में रहें। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें। बस इस प्रवाह को अनुभव करें। योग स्टेट की उन रिप्रेजेंटेटिव टीम से फिर से कहा है कि आप स्पेसिफिकली स्टेट के साथ जब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उस एरिया को, उस अर्बन एरिया को भी विजिट करें। अपने इनपुट्स आप स्टेट को दें, हमें भी बताएं, ताकि स्टेट के साथ फर्दर कोलैबोरेट करते हुए हम क्या एडिशनल स्टेप्स लें कि हमारा वहां पर एक्शन और आउटपुट ओरिएंटेड हो सके। एमसीडी कहती है कि सर जो आंकड़े हमें दिल्ली सरकार एमसीडी कहती है 2098 और दिल्ली सरकार कम कहती है। सर जो आंकड़े हमें दिल्ली सरकार दे रही है वही आंकड़े हमने आपको दिए हैं। आप इसको मान के चलें कि जो कोविड रिलेटेड डेथ है जो स्टेट ने रिपोर्ट की है वही डेथ हम आपको बता रहे हैं। मैडम आई थिंक बिफोर वी क्लोज दिस लेट मी काइंडली बिकॉज ऑलरेडी इट वॉज क्लोज I was asked to continue because aap logon ne yahan se pucha hai. Let me again reassure you the point which has been highlighted by DG ICMR sir. What is very important is to take action on field. We have found out prevalence in rural areas limited. We have found higher prevalence in urban areas. We have found still higher prevalence in either some urban slums oblique certain additional containment zones.
Beyond that, what is critical for the country today is to take action on field. हम लोग अगर ग्रामर के चक्कर में ही पढ़कर हमें फील्ड पर जो काम करना है उसको हम सेकेंडरी कर देंगे तो I would really request we will end up failing in terms of our duty and action at some level. आज जरूरी है कि हम सब कोशिश करें कि हमारे कंटेनमेंट पर जो एफर्ट हैं वो जैसे कि पॉल सर ने बताया कि जिस स्पीड से हम करते आ रहे हैं उससे एडिशनल उससे ज़्यादा अधिक वेग से उससे ज़्यादा अधिक मोमेंटम से हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है. इसके साथ ही हमें ज़रूरत है कि जब हम कंटेनमेंट करें हमारा टेस्टिंग पर फोकस बना रहे, हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से फोकस बिल्कुल कम ना हो, हम हर केस को आइडेंटिफाई कर सकें, आइडेंटिफाइड केस को डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ सिम्टम्स हम उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकें ताकि हम एंड में किसी की भी हर